बिहार में नीतीश के बुलावे पर विपक्षी की बड़ी बैठक और मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटता चर्चा का विषय रही, लेकिन विपक्षी एकता बैठक के बाद नीतीश कुमार बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल बिहार बीजेपी जिला मुख्यालय और प्रखंड में आपातकाल को लेकर काला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने विपक्षी एकता की बैठक को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। जीवेश मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार का कोई चाल चरित्र चेहरा नहीं है। नीतीश ऐसे शख्सियत हैं जो एंगेजमेंट कहीं और करते हैं, शादी कहीं और करते हैं और सुहागरात कहीं और मनाते हैं। नीतीश कुमार को कई बार बिहार की जनता ने बदलते हुए पलटते हुए देखा है, अभी बदल कर लटक कर सरकार चला रहे हैं। नीतीश के भाग्य का फैसला 2024 चुनाव में बिहार की जनता करने वाली है। 24 तक उनका कोई विधायक साथ नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, जीवेश मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने यह तक कह डाला कि विपक्षी एकता कौन सी एकता, ये जितने लोग अभी जुटे हुए हैं एक मूली नहीं उखाड़ सकते हैं और नरेंद्र मोदी जैसा बरगद को उखाड़ने चले हैं। आप विपक्षी एकता कहते हैं, उसमें 7 से 8 पार्टी बिहार में पहले ही गलबहियां करके बैठे हैं। इसमें 5-6 लोग बाहर से आए थे, इसमें केजरीवाल पहले उठकर चले गए। इस पर आरजेडी के शिवानंद तिवारी बोले कि हम केजरीवाल को नोटिस नहीं करते हैं। आगे जीवेश मिश्रा ने कहा कि विपक्षी एकता की बैठक खत्म होने से एक दिन पहले ही एक पार्टी को नोटिस करना बंद कर दिया। कुछ दिन और बीत जाने दीजिए, खुद आवाज आएगी कि हम ममता का नोटिस नहीं लेते हैं, हम शरद पवार का नोटिस नहीं लेते हैं। अंत में नीतीश कुमार बच जाएंगे और लालू यादव भी आने वाले दिनों में उनके साथ नहीं रहेंगे, ये बात आप समझ कर रख लीजिए। जीवेश मिश्रा इस दौरान गठबंधन और नीतीश पर जमकर बरसे, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ विपक्षी एकता गठबंधन का जोश एकदम हाई है। नीतीश कुमार को अपने इस कदम पर बेहद यकीन भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय डिजिटल। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल बिहार झारखंड।